नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो कल थी आंवला नवमी और हम गए थे पिकनिक, तो ये उसी का मिनी ब्लॉग से थोड़ा सा बड़ा ब्लॉग है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी लगभग 12 बजे। इसके पहले हमारा लंच टिफ़िन सब कुछ बन चुका था और यहाँ हमारी ये लोकेशन थी जो यहाँ पास ही में एक नदी का किनारे पर बसा हुआ मंदिर है, पुराना बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और वहाँ है आंवले का पेड़ भी। तो हम यहाँ घर से निकल गए थे, अविक ने उसका छोटा सा बैग लिया था, उसमें छोटा सा टिफ़िन और मेरा बड़ा सा बैग और उसमें बड़ा सा टिफ़िन। वहाँ पहुँचने के बाद हमने हमारे सामान को रखा और सबसे पहले हम चले गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ बहुत सारे अलग अलग भगवान थे और अंदर का मैंने वीडियो लिया नहीं था क्योंकि मेरा ना बड़ा ब्लॉग बनाने का कुछ मूड नहीं था, तो इसलिए बस ये शॉर्ट्स के लिए मैंने रिकॉर्ड किए थे, वही इधर डाल रही हूँ। हर मंदिर में जाते टाइम ना अविक की एक आदत बन गई, वो हमसे पैसे लेता है और दान पात्र में डालता है। अब वो जितने भी दान पात्र होते हैं सबके लिए हमसे पैसे लेता है। खैर ये अच्छी आदत है तो इसलिए हम उसे रोकते नहीं हैं, हर जगह उसे पैसे दे देते हैं। फिर यहाँ वो पोस्ट कर रहा था कि मम्मा मेरा भी वीडियो लो आपके साथ में, तो फिर मैं उसका भी क्लिप लेने लगी। मतलब बहुत ही क्यूट क्यूट हरकतें कर रहा था। फिर उसके बाद वहाँ था आंवले का बहुत बड़ा सा झाड़ जहाँ हमको पूजा करना था क्योंकि आंवला नवमी की ओकेजन थी, तो इसलिए हम लोगों ने पिकनिक प्लान करी थी। और ऐसा कहते भी हैं, मुझे बड़ों ने बताया कि आंवला नवमी के दिन आंवले के झाड़ के नीचे बैठ के जीमना चाहिए। तो ये कच्चा सूत मैं बांध रही थी यहाँ पे। फिर सब लोगों ने आंवले के ऊपर कुछ इस तरह से दिए भी लगाए, मैंने तो नहीं लगाया था, बस सबने लगाया था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर ये अविक का छोटू सा टिफ़िन और ये हम सब के बहुत तरह तरह के टिफ़िन खुले। और कहीं पे भी पिकनिक पे जाओ तो सबसे ज़्यादा वेट तो हम इसी चीज़ का करते हैं कि अरे आप टिफ़िन में क्या लाए हो, आप टिफ़िन में क्या लाए हो, और ये डिस्कस करते करते और सबका खाना टेस्ट करते करते हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया। इतना ज़्यादा खा लिया कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और फिर ना थोड़ी ही देर बाद खाना खाने के बाद माँ के बैग में से एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ निकली जो था ये क्यूट सा पानदान। मुझे ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और मुझे पता भी नहीं चला उन्होंने कब ये बैग में रख लिया था। फिर सबसे निकलवाए 20-20 रुपए और सबको बांटी एक एक हाउजी के गेम की टिकट क्योंकि अभी टाइम था शाम होने में, शाम को हमें दिए छोड़ने थे नदी पर तो तब तक टाइम था, तो सोचा कि एक गेम हम खेल लेते तंबोला का। तो यहाँ हम गेम खेल के जैसे ही फ्री हुए, खैर मेरे तो पूरे के पूरे 20 रुपए चले गए, मैं ये भी आपको बता दूं, एक भी जीती नहीं मैं। फिर नदी के किनारे पे गए हम और फिर हमने वहाँ पे ना पानी में बहुत सारी मस्ती करी। और अविक के तो मैंने कपड़े उतार के उसको छोड़ दिया था, बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए ताकि वो नेचर से कनेक्ट हो सके। फिर उसके बाद दियों की पूजा करी नदी के किनारे पर बैठ के सब, चाची जी बड़े मम्मी ने पूजा करी और फिर मैंने सबके दिए बीच में ले जाके एक एक करके छोड़े। एक्चुअली ये नदी इतनी छोटी है, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं रहता है, तो हम लोग आराम से इसमें खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं इसके किनारे पे और बहुत ही अच्छा भी लगता है और बहुत सुकूनदायक लगता है। तो कुछ इस तरह से ये हमारी छोटी सी पिकनिक वाला दिन था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।